हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप कि ये जो पास्ट 2021 ईयर है आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। और मैं कामना करता हूं कि 2022 ये जो नया साल है इसमें आपको, आप जो भी डिजिटल ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपका कोई बिजनेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिले। और साथ ही साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जब से हमने कंटेंट आपको इस तरह से प्रोवाइड करवाना शुरू किया है आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारा प्यार आपने दिया है। और मैं कामना करता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे। और मैं भी आपके साथ, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और डिमांडिंग ऑनलाइन अर्निंग के सोर्सेज हैं या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, उनको आपके साथ इसी प्रकार से प्रैक्टिकली शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोग सीखते रहें नई नई चीज़ें और आगे बढ़ते रहें। और आज की यह वीडियो न्यू ईयर स्पेशल वीडियो है। आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिले हैं कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर बात करने वाले हैं अपने किस प्रकार से एक बढ़िया आप अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिल्कुल फ्री में, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है सिर्फ और लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो भी आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का तो भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो भी एसेट्स हैं जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीएम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फ्री ट्रैफिक सोर्सेज, इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इनसे रिलेटेड यूजफुल कंटेंट हर रोज इसी प्रकार से मिलता रहे। और अभी हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप हमसे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको टाइटल में या थंबनेल में दिखाया किस प्रकार से अपने बढ़िया $1,000 अर्निंग तक की पोटेंशियल, किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ ई बुक्स को कॉपी पेस्ट करते हुए, तो इसके लिए हमें एटलीस्ट किसी एक बढ़िया एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप क्लिक बैंक को ही ज्वाइन करो, आप जेवीजू, वॉरियर प्लस और अमेजोन भी है। अमेजोन का आप ऑडिबल अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रमोट कर पाएंगे यहाँ पर। और किंडल भी है तो आप अमेजोन की कोई भी बुक्स वगैरह है वहाँ से उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। एट दी एंड आप डिजिस्टोर 24 या फिर क्लिक बैंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ डिजिस्टोर 24 का, जो कि एक एफिलिएट प्रोग्राम है। तो आपने क्या करना, डिजिस्टोर 24 अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपने किसी और नेटवर्क को ज्वाइन कर रखा है तो आप उसको प्रमोट करिए। ओके, मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। डेफिनेटली जैसे जैसे आप वीडियो को पूरा देखोगे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके अंदर डिजिटल 24 में हम जाने वाले डेटिंग, लव एंड रिलेशनशिप कैटेगरी में। और इस कैटेगरी में हम क्यों आए हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हमें ई बुक्स मिलने वाली है। ओके, तो अगर आपके पास ई बुक नहीं है, मान लीजिए कि हमको ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो अभी तो मैं एग्जांपल आपको ऐसे प्रोडक्ट का दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको ई बुक मिल जाएंगी। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, इसके अंदर भी आपको ई बुक मिल जाती है बनी बनाई। और इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है रिलेशनशिप रीराइट मेथड, इसके अंदर भी आपको ई बुक मिल जाएगी, आपको अलग से बनानी नहीं पड़ेगी और ना ही उसको एडिट करके उसके अंदर लिंक डालने की ज़रूरत है, लिंक भी अपने आप उसके अंदर होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जिसकी ई बुक इस प्रकार से नहीं मिलती आपको, तो ऐसे में आप फ्री PLR ebooks का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है फ्री PLR ebooks, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो इनमें से किसी भी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जैसे कि ये वाली पहली वेबसाइट अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारी ebooks मिल जाएंगी। और यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की सभी कैटेगरीज की ebooks हैं जिनको कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने बिजनेस पर्पज के लिए रीयूज कर सकते हो। देन आपको जाना है, एक वेबसाइट बता देता हूँ, सेजदा, गूगल में टाइप करिएगा सेजदा, इस वेबसाइट पर चले जाएगा। इस वेबसाइट में आपको अपनी PDF को अपलोड करना है और उसके बाद जो भी आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, आप अपने एफिलिएट लिंक्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा पाएंगे और उस ईबुक को कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इस प्रोडक्ट का एग्जांपल लेने वाले हैं रीराइट मेथड का। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप अर्निंग की पोटेंशियल देख लीजिए, जितनी बार भी लोग आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को बाई करेंगे या इसके साथ जुड़ेंगे उतनी बार ही अकॉर्डिंग 90% कमीशन के हिसाब से आप $30 अगैन एंड अगैन अर्न करते रहोगे। सबसे पहले तो आप इसका सेल्स पेज देख सकते हो इस पर क्लिक करके। हालांकि सेल्स पेज इसका दोनों ही तरीके का है, यानी कि VSL भी है, वीडियो वाला भी है और ये टेक्स्ट सेल्स लेटर भी है। तो सेल्स पेज तो काफ़ी अच्छा है और कन्वर्टिंग सेल्स पेज अच्छा कस्टमाइज भी किया हुआ है। इसके बाद वापस मार्केट प्लेस पे आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे एफिलिएट सपोर्ट पेज पे, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप एफिलिएट सपोर्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेनली हमें सिर्फ दो ही रिसोर्सेज चाहिए,
पहला जो रिसोर्स हमें चाहिए वो है सैंपल ईमेल्स। तो सिंपली इस पेज पे आने के बाद आपको सैंपल ईमेल्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर कुछ आपको लिखे हुए ईमेल्स मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए। देन जो सेकंड रिसोर्स हमें चाहिए उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स में और इसके अंदर आपको क्लिक करना है कस्टम पीडीएफ रिपोर्ट्स। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कस्टम पीडीएफ रिपोर्ट्स पर तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपके सामने दो ईबुक्स हैं। अब इनमें से किसी भी आप ईबुक को इवन दोनों ईबुक्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली अपने एम्बेडेड एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे। आपको अलग से अपने एफिलिएट लिंक्स ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे करना है इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 3 में अपनी ईबुक को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये वाली ईबुक सिलेक्ट करता हूँ इंस्टेंट फाइट फिक्स, ये जो सेकंड ईबुक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपने डिजिस्टोर की एफिलिएट आईडी डालनी है। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब ऑप्शनल स्टेप्स हैं। उसके बाद एम नॉट रोबोट इस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली जनरेट योर पर्सनलाइज्ड पीडीएफ रिपोर्ट इस पे आपने क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बुक डाउनलोड हो चुकी है और ये उसका कवर पेज है। और यहाँ पर मैं आपको लिंक्स भी दिखा देता हूँ, ये सारे अपने एफिलिएट लिंक्स काउंट होंगे। जैसे कि ये एक लिंक है, ये भी हमारा एफिलिएट लिंक है और इसके अलावा ये लिंक, ये भी हमारा एफिलिएट लिंक है। इसी प्रकार से इस पूरे ईबुक में कहीं पर भी जो भी लिंक्स हैं वो सारे अपने एफिलिएट लिंक्स ही माने जाएंगे और इनको आपने अलग से इसके अंदर लिंक लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आप इस प्रकार से पीडीएफ नहीं जनरेट कर पा रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं जिसके अंदर इस प्रकार से पीडीएफ नहीं मिलती है तो ऐसे में आप फ्री पीएलआर ईबुक्स का इस्तेमाल करें, उसके अंदर आप एडिट करके मैनुअली अपने एफिलिएट लिंक्स डाल सकते हैं। तो गाइज अब हमारे पास ये ईबुक है, अब आपने करना क्या है कि इस ईबुक को आपने गूगल ड्राइव में अपलोड करना है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप अपलोड कर रखा है यहाँ पर पहले ही। तो आप सिंपली यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे और ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। उसके बाद आपको फाइल अपलोड पे क्लिक करना है और आपके ये जो पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की है इसको यहाँ पर गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस ट्रैफिक सोर्स के बारे में जो एक बिगेस्ट कम्युनिटी मानी जाती है, बिगेस्ट सोशल कम्युनिटी मानी जाती है और जहाँ से अगर आपने आपको सही तरीका पता चल जाए कि वहाँ से ट्रैफिक कैसे लेना है तो आप बहुत अच्छा ट्रैफिक रिसीव कर सकते हो। वहाँ का ट्रैफिक बिलियंस में है और उसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि सर कैसे हम वहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, हम अपने इस ईबुक को प्रमोट करने के लिए या इसके लिए ट्रैफिक लेने के लिए द बिगेस्ट सोशल कम्युनिटी रेडिट का इस्तेमाल करने वाले हैं और मुझे इस पर बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि सर रेडिट से किस प्रकार से ट्रैफिक ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है कि आप अपना ये जो कंटेंट है अगर पीडीएफ के फॉर्म में, ईबुक के फॉर्म में यहाँ पर अगर अपलोड करते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप यहाँ से अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। किस प्रकार से ये करना है वो तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बताने ही वाला हूँ। अगर आपने यहाँ पर रेडिट पर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप फ्री में जाकर के reddit.com पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ट्रैफिक चेक करवाता हूँ जिसे आपको पता चलेगा कि क्यों ये सबसे बड़ी सोशल कम्युनिटी मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंट्री रैंक यूनाइटेड स्टेट में टॉप 12 है और कैटेगरी रैंक 6 है। अगर इसको स्क्रॉल अप करूँगा मैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इसका मंथली विजिट्स जो है, यानी कि इसका जो ट्रैफिक है मंथली, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है 1.60 बिलियन। ओके, मिलियंस में नहीं, बिलियंस में ट्रैफिक है 1.60 बिलियन। और ट्रैफिक कहाँ से, आप वो भी देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टॉप टीयर कंट्रीज से ट्रैफिक है। तो किस प्रकार से आप यहाँ पर अपने पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं, अगर किसी और फॉर्म में आप अपने कंटेंट को या लिंक्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो भी इसके सब रेडिट्स हैं या फिर कम्युनिटीज़ बनाई गई हैं इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, ऐसे में काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर अपने कंटेंट को प्रमोट करना। लेकिन आप ईबुक्स के माध्यम से अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छा ट्रैफिक भी ले सकते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक सबसे बेस्ट जो मुझे कम्युनिटी लगी वो ये थी, फ्री ईबुक्स, इसके अंदर आप देखोगे ये एक सब रेडिट है तो 1.6 मिलियन मेंबर्स थे इसके अंदर। ओके, अभी भी हैं 1.6 मिलियन मेंबर जिसमें कि 394 ऑनलाइन है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईबुक को कुछ समय पहले ही यहाँ पर मैंने अपलोड किया है और ये अभी अप्रूवल के लिए गई हुई है मॉडरेटर के पास। डेफिनेटली ये अप्रूव हो जाएगी, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। देख सकते हैं आप, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, आप यहाँ पर प्रोफाइल नेम भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको अपलोड किया, ये अप्रूवल के लिए गई है, यानी कि ये रिमूव नहीं हुई है। देन एक दो जगह पर मैंने और भी इसको पोस्ट किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये है फ्री बुक्स, इसके अंदर 7.3K मेंबर्स हैं, 10 रीडर्स ऑनलाइन है मे भी। और यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको मैंने यहाँ पर पोस्ट किया और ये यहाँ पर लाइव है और गूगल ड्राइव का लिंक भी यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, इसी प्रकार से आप कैसे ये फाइंड करोगे कहाँ पर आपको अपनी ईबुक डालनी है, पब्लिश करनी है, तो सिंपली आप यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्च किया हुआ है फ्री बुक्स, इस प्रकार से आपको सर्च करना है
तो आपको बहुत सारी बुक्स से रिलेटेड कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी। इसके लिए आपने कम्युनिटीज़ पे यहाँ पे क्लिक करना है, जिनके अंदर आप इजीली अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं और कितने सारे मेंबर्स हैं, मिलियंस में मेंबर है यहाँ पे देखो आप सब में, है ना। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो सिंपली बिल्कुल फ्री में। ओके, इनमें से कुछ कम्युनिटीज़ को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इस प्रकार से ज्वाइन पे क्लिक करना है और आप उसके अंदर पोस्ट कर पाएंगे। तो उनमें से एक ये वाली कम्युनिटी मैंने यहाँ पे ओपन की, आप देख सकते हैं फ्री फ्री फ्री। तो यहाँ पर हम ई बुक्स डाल सकते हैं और यहाँ पर आप इसके इंगेजमेंट देख सकते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा इस कम्युनिटी के अंदर मेंबर्स हैं। और सही तरीका भी यही है कि आप अपना जो कंटेंट है वो टारगेटेड लोगों के सामने इसी प्रकार से पहुँचेगा कि जो उसकी सब रेडिट्स हैं, जो भी आप कंटेंट प्रमोट करना चाहते हो उसके रिलेटेड आप सर्च करिए और बहुत सारी आपको सब रेडिट इस प्रकार से नजर आएंगे। तो उनमें से आप बढ़िया जो आपको लगते हैं, जिनके अंदर अच्छे मेंबर्स हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर लीजिए और कंटेंट अपना इस प्रकार से ई बुक की फॉर्म में अगर आप पोस्ट करेंगे तो ज़्यादा चांसेज है कि आपका कंटेंट वहाँ से हटाया नहीं जाएगा और आपका पोस्ट सभी लोगों तक पहुँचेगा और आप ज़्यादा ट्रैफिक रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली पोस्ट करके दिखा देता हूँ, इसमें पहले मैंने पोस्ट नहीं किया है। तो पोस्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरली कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक देखो आप पोस्ट का है, फिर इमेजेस का है, लिंक्स का है, पोल का है। आप लिंक पे क्लिक करके भी पोस्ट कर सकते हो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में। तो यहाँ पर सिंपली आपको लिंक पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे टाइटल दे दीजिए अपना कोई भी और यहाँ पर नीचे आपको अपना सिर्फ लिंक देना होता है, दो ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन अभी हमें पोस्ट बनाना पड़ेगा तो पोस्ट बना के यहाँ पर पोस्ट करेंगे। किस प्रकार से करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा टाइटल। तो हम इसके लिए जो हमारे एफिलिएट रिसोर्स पेज में ईमेल्स हैं उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ से टाइटल के रूप में हमने ये सब्जेक्ट कॉपी किया और इसको टाइटल में डालेंगे। देन ये जो पूरा बॉडी टेक्स्ट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, अब आपको बिल्कुल बॉटम में आ जाना है और यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन बटन अपना क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया डाउनलोड फ्री ईबुक नाउ। अब आपको करना क्या है कि आपको वापस अपने गूगल ड्राइव में जाना है और जो आपका पीडीएफ है या फिर ईबुक है उसका लिंक आपने लेना है, राइट क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर गेट लिंक पे आपने क्लिक करना है। देन आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड पे आपने क्लिक करना है। डेफिनेटली इस पे ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर आपका कोई भी पर्सन आपका लिंक जो है वो ओपन नहीं कर पाएगा। इसको आपने एनी वन विद द लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद इस लिंक को यहाँ से आपने कॉपी करना है। और जैसे कि मैं यहाँ पर अपना लिंक लगाना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपना लिंक आपको पेस्ट करके इंसर्ट कर देना है। ओके, तो इसके अंदर हमारा लिंक जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आप फेलियर को सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से तो कर सकते हैं, बिल्कुल कैटेगरी के समान ही माना जाता है। तो मैं यहाँ से बुक को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अप्लाई करेंगे और सिंपली इसको पोस्ट पर क्लिक करेंगे। ये पेज यहाँ पर रिफ्रेश होगा। ओके, आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, ये बिल्कुल अभी रिमूव नहीं हुआ, वरना इमीडिएटली वो पोस्ट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.5 लाख मेंबर हैं और इसके अंदर हमने ये अपनी पोस्ट को क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर हमारा यहाँ पर क्लिकेबल लिंक भी है और कोई भी पर्सन यहाँ से इजीली उस ई बुक को डाउनलोड कर सकता है और उसमें हमारे एफिलिएट लिंक्स हैं। अगर यूजर को अच्छा लगेगा कंटेंट, ई बुक में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर जो लिंक है उसके ऊपर भी क्लिक करेगा और आपके उस प्रोडक्ट को भी बाय कर सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो कितनी सारी कम्युनिटीज हैं, है ना। यहाँ पे 1.6 मिलियन 178K, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 2.7 मिलियन, 190K, 20.2 मिलियन, है ना। तो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं, तो इनके अंदर आप इसी प्रकार से इजीली पोस्ट कर सकते हैं और ये एक सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से किसी भी प्रमोशनल कंटेंट पर ट्रैफिक लेना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने लिंक्स नहीं डाल सकते हैं किसी भी प्रकार से किसी भी कम्युनिटीज में। अगर आप इनके बुक्स के रिलेटेड जो कम्युनिटीज हैं उनको ज्वाइन करो और वहाँ पर आप, क्योंकि वो कम्युनिटीज इसीलिए बनाई होती हैं कि वहाँ पर आप बुक्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो सभी लोग वहाँ पर अपनी बुक्स को शेयर करते हैं। ऐसे में आप भी अपनी ई बुक्स को शेयर करके वहाँ से अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं और इन कम्युनिटीज़ के अंदर भी आपको मिलियंस में मेंबर मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लाइव और प्रैक्टिकली करके दिखाया है। सो गाइज, आई होप आज के इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और यही एक सही तरीका है और एक मुझे एक ओनली सोर्स लगा जिस तरीके से आप यहाँ पर इजीली रेडिट से ट्रैफिक ले सकते हैं। इसी प्रकार की और भी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।